विशाल भाई आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। विशाल भाई एक सॉफ्टवेयर फर्म चलाते हैं आईटी की गुड़गांव में, और कितने एम्प्लॉयज हैं आपके पास? लगभग 650। 650 लोगों को ये रोजगार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये शुरू से ही रोजगार दे रहे हैं, कभी ये खुद भी नौकरी करते थे। विशाल भाई कहाँ नौकरी करते थे आप? मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है जी, और ट्रिपल आईटी हैदराबाद से मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पूरी की जी। और उसके बाद एक कंपनी सुनी होगी आपने, एरिक्सन जी, मोबाइल फ़ोन भी आते हैं उसके। गुड़गांव में मैंने 4 साल उस कंपनी में जॉब किया, और उसके बाद मैंने अपना व्यवसाय खोलने का विचार बनाया जी। और उसी दौरान, ये 2008 और 9 की बात है, 8 के एंड की, मैं अमेरिका गया और वहाँ मैंने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया। अच्छा। मैं बिल्कुल एक साधारण किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे दादाजी एक अनपढ़ किसान थे, मेहनत से, जो उस टाइम तो आपको पता ही है बैल और हल होता था जिससे खेती होती थी, ट्रैक्टर वगैरह तो होते नहीं थे, तो मेरे पिताजी ने भी एक्चुअली हल से खेती की। मुझे, मैं कहूँगा मेरे पिताजी ने जो प्लेटफॉर्म दिया, हमें मौका मिला शहर में पढ़ने का, अच्छे स्कूलों में पढ़ने का, अच्छी विद्या ग्रहण करने का, तो उसी का फल स्वरूप है कि दुनिया भर में घूमने का, एक्सपोजर लेने का, कंपनी खोलने का इन फर्स्ट प्लेस। मैं अपने पूरे खानदान में पहला व्यक्ति हूँ जिसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा। अब से पहले या तो नौकरी में थे, सिपाही लग जाए, या तो आर्मी में चले गए, या सरकारी नौकरी लग गए, या किसान थे। जय जवान जय किसान। तो पहला बनिया व्यापारी कह लीजिए, बनिया जो अब बने हैं। और इच्छा अभी भी यही रहती है कि जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए अगर आप कुछ कर सको। तो मैं, जैसे आपको बताया था जब हम मिले थे, कि 10 साल मैं अमेरिका में रहा और मेरे 3 बच्चे हैं, वो सब वहीं पे पैदा हुए, वहीं के सिटीज़न हैं, पर मैंने फैसला किया कि मैं वापस अपने। अच्छा, लोग तो यहाँ से मेक्सिको के दीवारें फांध के फिर अमेरिका जाते, आप क्यों आए यहाँ पे? मैं उसी सवाल पे आ रहा था कि एक कठिन डिसीजन रहता है, पर मुझे ऐसा लगा कि एक, मेरे बड़े भाई साहब भी हैं, हम 2 ब्रदर्स हैं। हाँ जी। वो US में ही रहते हैं और वो वकील हैं वहाँ पे। अच्छा। उनकी खुद की लॉ फर्म है, वो 20 साल से वहीं एस्टेब्लिश्ड हैं। अच्छा। काफ़ी अच्छा काम है उनका। आपसे बड़े हैं? मेरे से बड़े हैं। जब मैं वहाँ चला गया और इतने साल रहा, तो मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि भारत में हमने अपनी जड़ें छोड़ दी। अच्छा। और जब कोई भी पौधा या कोई भी पेड़ अपनी जड़ें छोड़ देता है, तो वो कितना ही बड़ा हो, कितना ही फलदार हो, वो कुछ सालों में सूख जाएगा, जड़ों से कट जाएंगे। तो ये विचार मेरे अंदर बहुत स्ट्रांग था। तो मैं, एक मोदी जी भी इस बारे में बहुत बात करते हैं, और हमारे बहुत सारे नेता भी, बहुत सारे। अच्छा, 10 साल जैसे बहुत ही अच्छी जगह पे आप रह के आए, फिर आप यहाँ आ गए। यहाँ तो मतलब सीधा है, आप सोए हुए को उठा के पूछते हैं लोग कि भाई सो रहा क्या? तो दिक्कतें नहीं आई यहाँ काम सेटल करने में? देखिए, प्रोफेशनलिज्म की अगर बात करें तो US में प्रोफेशनलिज्म और इंडिया के प्रोफेशनलिज्म में दिन रात क्या बेसिक अंतर, यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो हमसे आगे किस चीज़ में है। वो समय की वैल्यू करते हैं जी। जी, अगर वो आपको कहते हैं कि 4 बजे की मीटिंग है, तो वो 3:55 पर उपस्थित होंगे। अच्छा। और अगर वो मीटिंग आधे घंटे की है, तो एक दूसरे की टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं और 4:30 मीटिंग खत्म हो जाएगी। Okay. चाहे आपकी बात वार्तालाप बीच में ही हो। अच्छा, ऐसा भी होता है जैसे मैं ऑफिस के लिए चला हूँ और 2 रिश्तेदार आ गए और मेरे 3 घंटे वहीं लग गए, ऐसा होता है वहाँ पे? बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा। वहाँ पहली बात तो रिश्तेदार ऐसे आते नहीं है, वीकडेज पे तो बिल्कुल ही नहीं आते। अच्छा। आते ही वीकेंड्स पे हैं, जिस दिन छुट्टी होती है, और वो भी पूछ के आते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पे, जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आपके 4 दोस्त आके बैठ गए, नहीं, आपके 3 घंटे पी गए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा। ऐसा नहीं है। और ऐसा कभी हो भी जाए, तो उनका पहला क्वेश्चन ये होता है, आके वो ये पूछेंगे कि क्या आपके पास टाइम है हमसे बात करने का, या क्या हम समय ले सकते हैं आपका। अच्छा। और वहाँ पे लोग इतने ब्लंट होते हैं कि वो साफ साफ बता देते हैं कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, शाम को 6 बजे के बाद हम मिल सकते हैं। अच्छा, वहाँ ऐसा होता है विशाल जी कि साइकिल पे कोई जा रहा है? हाँ, तो उस मोटरसाइकिल वाला उसको इन भावना से देख रहा है,
गाड़ी वाला जा रहा है तो वो छोटी गाड़ी वाले को, या फिर ऐसे ऐसे मूर्ख देखे हैं आपने वहाँ पे जो गाड़ियों से बीच में वो जो विंडो है उसमें सिर निकाले हुए हु करते चलते हैं, ऐसा कुछ देखा है वहाँ पे आपने? इसको मैं एक इंग्लिश फ्रेज से बताना चाहूँगा जिसको हम बोलते हैं डिग्निटी ऑफ लेबर। अच्छा, आपने मैकडोनल्ड्स के बारे में सुना होगा, बर्गर किंग के बारे में सुना होगा, ये सारी चेन्स अमेरिकन चेन्स हैं। आप किसी भी मैकडोनल्ड्स में जाके ये नहीं बता सकते हैं कि आप कितने बड़े उद्योगपति हैं और मैं वहाँ पे झाड़ू लगाने वाला हूँ। अच्छा, सब इक्वल है, सब बराबर स्तर पे, सारे समान जगहों पे, समान तरीके से रहते हैं, समान तरीके से खाना खाते हैं, समान तरीके से एक दूसरे से बिहेव करते हैं। तो जो आप बोल रहे हैं वो हीन भावना वाली बात बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे। अच्छा, सब समान है वहाँ, काम की कदर है, काम की कदर है, आप क्या काम करते हैं वो जरूरी नहीं है। अपने तो रिश्ता करते हुए भी पूछते हैं ना कि ये इनकम टैक्स में लग रहा है, वहाँ भी पूछते हैं जी, वहाँ भी पूछते हैं। वो तो देखिए हर कोई अपने अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं होगा वहाँ पे, ना के बराबर है। अच्छा। जो पुरानी पीढ़ियाँ थी उनमें था, बट जो नई जनरेशन है उसमें हार्डली कोई अरेंज मैरिज होती है। तो मतलब 10 साल में आपने क्या ओवरऑल ये सीखा कि टाइम की कदर है वहाँ पे? सबसे पहला सबक मेरा ये था कि टाइम की कदर करनी चाहिए, अगर आप टाइम की कदर करेंगे तो टाइम आपकी कदर करेगा। और दूसरा लेसन था मेरा कि आप व्यक्तियों की कदर करें, आप लोगों की कदर करेंगे तो ही लोग आपकी कदर करेंगे, आप इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। दूसरे के काम को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। अभी आप यहाँ पे जो पानी पिलाने आए और मैं उनसे पानी लेके अगर मैं उनको थैंक यू बोलूँ तो सोचिए उनको कितना अच्छा लगेगा। वो काम कर रहे हैं अपना, पानी पिलाना अगर उनका काम है तो ज़रूरी नहीं है वो छोटा काम है, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं पानी नहीं पीऊँगा तो मैं बीमार हो जाऊँगा, तो ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ मी। सो आदमी को एक समान भाव से देखना, एक इज्जत से देखना बहुत बड़ी चीज़ है। आपने बहुत अच्छी बात बताई, बीच में आपने भाई का जिक्र किया था, लॉ फर्म है। हमारे यहाँ भी बहुत वकील हैं। मैंने सुना है ऐसा कि उनकी जो पेमेंट है, हाँ जी, वो जैसे आपने फ़ोन किया तो उस जितनी देर आपने परामर्श लिया वो भी उसमें इंक्लूड होता है, ऐसा कुछ है? बिल्कुल ऐसा ही है जी। वहाँ पे अगर आप बोलें कि सबसे महंगी सर्विसेज कौन सी हैं तो या तो वकील की हैं या डॉक्टर की। अच्छा, और वकील की जो पेमेंट की रेंज है दैट स्टार्ट्स एनीवेयर फ्रॉम $100 $100 पर आवर से लेकर अच्छा $1,000 $1,500 पर आवर। मतलब आप क्लाइंट ने जितना टाइम लिया है वो उसमें लिखा जाएगा, अगर उन्हें फ़ोन पे आधा घंटा खाया तो वो तो आधे घंटे का चार्ज करेंगे वो। अच्छा अच्छा, जैसे जो मेरे बड़े भाई साहब हैं वो $350 पर आवर के लिए के हिसाब से चार्ज करते हैं। अच्छा अच्छा, तो आधा घंटा बात करेंगे तो $200 आपको पे करने पड़ेंगे। हमारे यहाँ तो नहीं करने पड़ेंगे, हमारे यहाँ तो आपके लिए हमारा पहला एक घंटा। मैं तो अपने आप को खुश नसीब मानूंगा कि अगर मेरा अमेरिका में कोई केस डल जाए तो, मतलब इससे बड़ी बात क्या हो सकती कि मैं अमेरिका में मेरे ऊपर कोई केस और मैं लड़ू। खैर ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है बेस वकीलों के साथ, लोग घर पे आते हैं, रिश्तेदार होते हैं, बिल्कुल रुकते हैं, परामर्श लेते हैं और सुबह पूछते हैं कोई अच्छा सा वकील बता। तो बेसिक डिफरेंस है हरियाणा में और हरियाणा में, तो अगर कोई वकील है तो रिश्ते के टाइम भी लोग पूछते हैं काम क्या करता है वकील, तो ठीक है। इसका मूल कारण बताता हूं मैं आपको, इसी को कहते हैं हम डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस में या इकोनॉमीज में फर्क। डेवलप्ड नेशंस में जो सर्विसेज होती हैं उनको एक ऊंचा दर्जा दिया जाता है, डेवलपिंग नेशंस में आप मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करते हैं, आप जो चीज हाथ में पकड़ सकते हैं आप सिर्फ उसका पैसा देना चाहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अंतर है, सर्विसेज की वैल्यू नहीं समझते। जो वकील आपको एक सलाह दे रहा है, मान लीजिए मेरा कोई केस है, आप वकील है, मैं आके पूछता हूँ वकील साहब इसमें क्या होगा, आपने मुझे दो बातें बता दी, तो मैं उसकी वैल्यू नहीं समझता हूँ, बट आपने वो सलाह देने के लिए 10 साल की पढ़ाई की है, इतना आपने, लेकिन अपनी नजर में उसकी वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है, हमें लगता है ये तो आम सी बात थी, ये तो मुझे भी पता थी, आपको पता थी तो आप गए क्यों थे वकील के पास पूछने, वहां इस चीज की वैल्यू है। कई बार हम खाली भी होते हैं ना, इसलिए भी चले जाते हैं। अच्छा, आपने जब यहाँ पे फर्म अपनी स्थापित की, हाँ जी, तो अभी कितने का, वैसे पूछना चाहिए नहीं चाहिए वेल्थ को लेके, आपने कितने करोड़ की टर्नओवर वाली फर्म तैयार करी है? ये सवाल मैं स्किप करना चाहूँगा। ओके, बट
मतलब काफी अच्छा है, हैंडसम है। रादर इंपॉर्टेंट ये है कि जो 650 लोगों को दे रहे हैं, हाँ जी, जो मकसद था कंपनी एस्टैब्लिश करने का वो था कि लोकल लोगों को, इंडिया में टैलेंट को जॉब देना। तो मेरी फर्म में हम सारे जो इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं, IITs, सारे NITs, उनसे हम इंजीनियर्स हायर करते हैं, हायर करते हैं। सो एक बात मैं कहता कहता रह गया था जो पहले ब्रेन ड्रेन वाली बात जी जी, कि मोदी जी भी कहते हैं और पुराने नेता भी बहुत कहते हैं, सब कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहिए जी, कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं IITs में और विदेश में चले जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं, पैसा कमाते हैं जी। मेरा वापस आने का कारण एक ये था कि मैं ब्रेन ड्रेन के कॉन्सेप्ट को एक्चुअली फॉलो करना चाहता था, कि मैंने अपना जो ये वृक्ष रूपक जो मेरा जीवन है, मैंने उसकी सिंचाई भी इस देश में की, उसको बड़ा भी इस देश में किया, और जब फल देने का समय आया तो मैं अमेरिका में जाके स्थित हो जाऊं और उसके सारे फल अमेरिका को दे दूं। बहुत बढ़िया आपकी सोच है, अच्छा किया आपने। लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, प्लीज डोंट माइंड। ये जो एक ट्रम्प कह रहे थे पिछली बार कि ग्रेट अमेरिका अगेन, हाँ जी, तो मतलब क्या अमेरिका में कमी है कहीं थोड़ी बहुत कि उनको ये नारा देना पड़ा? देखिए, आप घूम फिर के आप फिर पॉलिटिकल सवाल पे आ गए हैं जी। मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में रहता है ना, मैं बेसिकली पॉलिटिकल रिपोर्टर हूं। बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या है जी, दिस इज अ स्ट्रैटेजी, आई वुड से पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज होती हैं। हर कोई नारा देता है एक जिसके पीछे लोग चलें। अच्छा, अमेरिका में 2008 में जब मेल्टडाउन आया था, जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन था, उसकी वजह से अमेरिका में, पूरी दुनिया में ही था, पूरी दुनिया में था, अमेरिका में सबसे ज्यादा, भारत बचा रहा था बस, थोड़ा सा भारत थोड़ा बच गया था। उस दौरान लोगों में बहुत ज़्यादा गुर्बत आ गई थी, बहुत गरीब हो गए थे लोग, नौकरियां नहीं रही थी। सो जो मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन है, उसका रिलेशन एक्चुअली 2008 के बाद जो अमेरिका की स्थिति थी उसको ख़त्म करने के लिए था। वो एक पॉलिटिकल नारा था कि दोबारा से अमेरिका को, बेगर्स अमेरिका में भी हैं, मांगते लोग भी, हाँ जी बिल्कुल हैं, बट बहुत कम हैं, बहुत कम हैं, और मैं कहूँगा वो बाय चॉइस है। अच्छा, वो बाई मजबूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ की सरकारें आपको जो बेसिक्स हैं आपके, रोटी कपड़ा मकान, उसकी गारंटी देती है। अगर आप बिल्कुल गरीब हैं तो सरकार आपको हर महीने डॉलर आपके खाते में जमा कराती है। अच्छा, अगर आप उसके बाद भी नशे में पड़ जाते हैं, गलत चीज़ें करते हैं, तो वो बाई चॉइस है। तो वो बेगिंग बाई चॉइस कहूँगा, इट इज़ नॉट बेगिंग बाय। अच्छा, मतलब वो अगर आप सक्षम हैं और अच्छे इंसान हैं, आपके अंदर कुछ काम करने की ललक है, तो काम की कोई कमी नहीं, काम मिलेगा बिल्कुल। सरकार आपको काम देगी या प्राइवेट सेक्टर आपको काम देगा, काम की कोई कमी नहीं है, नीयत की कमी हो सकती है। जब विशाल भाई, मैं चाहूँगा कि आप एक बार अपना लाइफ के प्रति ना नज़रिया एक बार दोस्तों को बताएं, कि जो लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, हाँ जी, बहुत मैं सबसे ज़्यादा भारत के लोग अमेरिका के लिए वीजा अप्लाई करते हैं, हाँ जी, और मुझे लगता है कि इसका कोई डाटा कभी नहीं आया सामने कि कितने करोड़ों रुपए वीजा फीस के कमा लेता है केवल अमेरिका अपने से। ठीक है, तो क्या मतलब आप उनको क्या कहना चाहोगे, राइट वे कौन सा है अमेरिका, अगर किसी को जाना भी हो तो सबसे राइट वे कौन सा है? देखिए, दो तरीके से लोग अमेरिका जाते हैं, एक है लीगल वे और एक इलीगल वे। जो आप कुछ देर पहले मेंशन कर रहे थे, इलीगल वे है कि आप एक किसी देश में जाएं, वहां से वहां घुसते हैं, इलीगल इमिग्रेशन जिसे कहते हैं, वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें दो चीज़ों का नुकसान है। एक आपके पैसे का नुकसान है, आप भारत से, क्योंकि आप उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उतने स्किलफुल नहीं हैं, इसीलिए लीगल तरीके से नहीं जा पा रहे हैं, वरना आप लीगली चले जाते जी। दैट मीन्स आपके पास साधन नहीं है उतने, तो आपके जो लिमिटेड साधन हैं देश में, आप उन साधनों को बेच के, गिरवी रख के, पैसा खर्च करके, जान दाव पे लगा के आप उस देश में पहुंचते हैं। वहां जाके आप छोटी ही जॉब करते हैं कुछ ना कुछ, या तो आप किसी होटल में काम करेंगे, या हम सबसे छोटा काम करेंगे और डर डर के करना पड़ेगा। जिस दिन पकड़े जाएंगे उस दिन आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपको देश से वापस भी भेजा जा सकता है। सो मैं कहूँगा वो तरीका ठीक नहीं है, वो तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका आउटपुट अच्छा नहीं है जी।
क्योंकि आप गए और 5 साल में ही वापस आ गए या 10 साल में भी वापस आ गए, तो जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है वो उतनी उतनी भी नहीं निकाल पाओगे आप। अच्छा, उससे बेहतर है कि आप इस पैसे को भारत में ही किसी व्यवसाय में लगाएं या कोई छोटा मोटा धंधा भी खोल लें, तो ज्यादा समृद्ध भी रहेंगे, आपकी इज्जत भी बनेगी सोसाइटी में और आप अच्छा जीवन बिता सकते हैं। रही बात लीगल इमिग्रेशन की, लीगल इमिग्रेशन मैं कहूंगा जरूर करना चाहिए हर व्यक्ति को। अच्छा, जो भी अमेरिका जा सकता है या किसी डेवलप्ड कंट्री में जा सकता है, मैं सिर्फ अमेरिका नहीं बोलूंगा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, आप तो काफी कंट्रीज में घूमे होंगे। मैं लगभग 40 देशों में घूमा हूं। इन सारे कंट्रीज में जरूर जाना चाहिए क्योंकि उससे आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है, एक्सपोजर मिलता है, आपको ये समझ में आता है कि काम कैसे किया जाए, लोग कैसे काम करते हैं, कार्यशैली क्या होती जी, है जी। जिस जो मैं प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहा हूँ जी। जैसे जाने से पहले जब मैं फर्स्ट टाइम अमेरिका गया था तो टाइम की वैल्यू मुझे भी नहीं थी। मेरी कोई मीटिंग फिक्स हुई 11 बजे, मैं 11:15 बजे पहुंच रहा हूँ। वेरी सून आई रियलाइज्ड कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति का टाइम 24 घंटे ही है और उसने अपनी प्लानिंग कर रखी है, आपको इज्जत करनी चाहिए। तो ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं जब आप विदेश में जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा सब नौजवानों को या जो भी विदेश में जाना चाहते हैं, ज़रूर जाएं, लीगल तरीके से जाएं, पर जाके बस ना जाएं। अच्छा, वापस आएं, पैसा कमाएं, अपना नाम कमाएं, और जब उनके पास इतना हो जाए कि उन्हें लगे कि अब आजीवन उनके पास इनफ है, तो वापस आए और देश की सेवा में लगें। ये थे विशाल भाई, विशाल मलिक जी, आपने इनसे इनकी बातें सुनी होगी। मैं इनकी विदाउट परमिशन आपको एक कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अमेरिका से संबंधित कोई भी सवाल इनसे पूछना हो, अगर आप वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो विशाल भाई की सेवाएं, आप कमेंट में सवाल लिख देना, मैं इनसे ज़रूर उस सवाल का जवाब लिखवाऊंगा। ज़रूर, शुक्रिया विशाल भाई आपसे। धन्यवाद धन्यवाद धर्मेंद्र जी।